जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेस के बारे में। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक या घूमने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा झारखंड के फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ देवघर में सबसे रोमांचक पर्यटक स्थलों में से एक है, जहां आप ट्रैकिंग, रोपवे, वन्यजीव एडवेंचर्स और एक सुरक्षित प्राकृतिक टूरिस्ट का आनंद ले सकते हैं। यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल के लिए जाना जाता है। चढ़ाई पर घने जंगल में प्रसिद्ध त्रिकुटाचल महादेव मंदिर है। नंबर 9, पंचघाग वाटरफॉल। पंचघाग वाटरफॉल 5 झरनों के मिलने से बनता है। यह वाटरफॉल खूंटी जिले में स्थित है। पानी कम ऊंचाई से गिरने पर भी यह एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक दृश्य बनाता है। नंबर 8, मसानजोर डैम। मसानजोर दुमका में स्थित एक प्रसिद्ध पिकनिक एवं पर्यटक स्थल है। दुमका से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थल चारों ओर पहाड़ियों एवं जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे बहुत ही आकर्षक पिकनिक स्थल बनाता है। और यहाँ पे वोटिंग का भी सुविधा है, आप यहाँ पे जाकर वोटिंग कर सकते हैं। नंबर 7, जुबली पार्क। जमशेदपुर शहर में स्थित एक पार्क है। यह पार्क गेमिंग, जॉगर्स और साइकिल चालकों के बीच लोकप्रिय है। अन्य आकर्षणों के बीच एक विशाल पार्क, मनोरंजन केंद्र, फव्वारे और एक चिड़ियाघर है। नंबर 6, जोना फॉल। रांची से लगभग 45 किलोमीटर दूर रांची पुरलिया राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का एक मंदिर है, अतः यह भी एक बहुत ही आकर्षण पर्यटन स्थलों में से एक है। नंबर 5, दशम फॉल। दशम वाटरफॉल रांची शहर से 34 किलोमीटर दूर रांची टाटा मार्ग पर स्थित है। यह वाटरफॉल तेमारा गांव के पास स्थित है। यहाँ 144 फीट की ऊंचाई से जल गिरता है। इस झरने को देखने पर 10 जल धाराएं भी गिरती नजर आती है। आप यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 4, पारसनाथ पहाड़। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक रेंज है। इसमें सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर की है, अतः यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यह पहाड़ जैन धर्म के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इस पहाड़ में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ के कुछ मंदिर 2000 साल से भी अधिक पुराने हैं, अतः यह पर्यटन के लिए बहुत ही रोमांचक जगह में से एक है। नंबर 3, पतरातू वैली। पतरातू रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू वैली रांची से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी हरी भरी हरियाली और धुंध भरे पहाड़ बहुत ही मनोरम दृश्य बनाता है। आप यहां पर एक तरफ पतरातू डैम और दूसरी तरफ घुमावदार सड़कों की झलक देख सकते हैं, और यहां पर आप वोटिंग भी कर सकते हैं, अतः यह एक बहुत ही बड़ी पर्यटक स्थल में से एक है। नंबर 2, हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल रांची शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह वाटरफॉल रांची के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 320 फीट की है, और आपको इसका नजारा देखने के लिए लगभग 720 सीढ़ी तय करके नीचे उतरना पड़ेगा। वाटरफॉल के ऊपर में एक रोपवे है, जिससे आप वाटरफॉल का ऊपर से नजारा देख सकते हैं। रांची में हुंडरू वाटरफॉल मुख्य शहर से 45 किलोमीटर दूर स्थित है, अतः आप यहां अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं। नंबर 1 बताने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें। तो नंबर 1 पे है नेतरहाट। नेतरहाट झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेतरहाट सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। यह वनों के भीतर स्थित है, जिसमें विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव जंतु स्थित है। नेतरहाट में कई पर्यटन स्थल है, जैसे परघाघरी जलप्रपात नेतरहाट से 4 किलोमीटर दूर स्थित है, और लोध वाटरफॉल झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल और भारत के 21वें सबसे ऊंचा वाटरफॉल में से एक है। और भी यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक स्थल है, इसलिए इसे छोटा नागपुर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। अतः आप यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ 3 या 4 दिन के लिए पिकनिक मनाने जा सकते हैं, तभी आप सभी स्थलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।